नमस्कार, मैं राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर एसआर शरण आज जो दिल्ली में पूरे देश में कोरोना महामारी के को देखते हुए केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार लॉकडाउन बढ़ाने में लगे हुए हैं और स्वास्थ्य मंत्री से मैं ये पूछना चाहता हूं कि ऑक्सीजन की कमी कैसे हो रही है और पहले भी लॉकडाउन किया गया था तो लोग जनता ने अपने अपने घरों में ग्लोए नीम की पत्ती, तुलसी के पत्ते, अदरक और इलायची और लौंग सब डाल के काढ़ा घर घर में पिया, जिससे दिल्ली के अंदर कोरोना महामारी पे कंट्रोल हुआ। केंद्र सरकार कहती है कि दवाई नहीं तो ढिलाई नहीं, और जब दवाई आई तो ढिलाई आई, लेकिन एक डोज की जगह पर सभी बीमारी के लोग, कोरोना के पॉजिटिव पाए जाने के लोग जो अपने डबल डोज ले लेते हैं, और केंद्र सरकार ने ये बोला था कि एक मनुष्य को डबल डोज लेने पड़ेगी। जब डबल डोज हो जाती है तो फिर उसकी पॉजिटिव रिपोर्ट क्यों आती है? इससे ये सिद्ध होता है कि वैक्सीन में क्या कमी है, ये तो केंद्र सरकार बताए। ये जनता के सामने हम ये कहना चाहते हैं कि कोरोना महामारी में, इस कोविड-19 में वैक्सीन के माध्यम से सच्चाई कहां तक है। अब जो है ऑक्सीजन की मारामारी है, कोई अपनी जिम्मेवारी नहीं समझना चाहता है, न लेना चाहता है। केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार गरीब जनता के लिए जो आज रोज कमाते हैं और रोज लाते हैं, जिससे अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, वो दिन कहाँ गए? वो कहाँ से मजदूरी करेगा? जब लॉकडाउन लगा रहेगा, काम धंधा मिलेगा नहीं, तो ऑक्सीजन की जगह बिना ऑक्सीजन के तो वैसे मर ही जाएगा। ये केंद्र सरकार को और दिल्ली सरकार को सोचना है कि गरीब जनता के हित में और ये देशवासियों के हित में काम करे। अगर इनका बस नहीं है तो दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार हाथ हाथ खड़े करे और अपने अपने भाग भरोसे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने यही बोला था कि अपने अपने भाग भरोसे, अपने अपने जियो। तो इस तरीके से इनको भी ये सोचना चाहिए, जब वैक्सीन से कंट्रोल नहीं हो रहा है, डबल डोज भी ले रहे हैं फिर भी कोरोना कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, मास्क लगाओ, दूरी बनाओ, सब कुछ करने के बाद भी कोरोना बढ़ क्यों रहा है, इसकी जिम्मेदार कौन है? हमें आपको तो क्यों बेवकूफ बनाया जा रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं अपील करता हूं केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार से कि इसमें सीरियस होकर के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सब लोग न्यायपालिका के सुने और समझे, और हमारी बात पर राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर एसआर शरण की अपील है कि जनता के हित में सच्चाई और ईमानदारी से कार्य करें, जिससे जनता, गरीब जनता का पालन पोषण हो सके। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। एनसीआर करंट न्यूज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।